गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स और उसी चैप्टर में आगे हम पहुंच गए लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस। तो आज एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम पूछी जाती है लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस या फिर इसका स्टेटमेंट दिया जाता है। तो आइए अपन आज इसे प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट क्या है? इफ द लिमिट्स ऑफ द सीक्वेंस एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक। अगर आपके सीक्वेंस में लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो लिमिट हमेशा क्या होगी? यूनिक। मतलब किसी भी सीक्वेंस में एक ही लिमिट हो सकती है, एक से ज़्यादा लिमिट्स नहीं हो सकती। तो इसे प्रूव करने के लिए हम कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास दो लिमिट्स हैं और फिर से हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि किसी भी सीक्वेंस में दो लिमिट्स नहीं हो सकती। ठीक, तो चले प्रूफ में। प्रूफ बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए, हम ज़ूम कर लें, कंट्राडिक्शन लेके प्रूफ करेंगे ना। तो बी प्रूफ इट बाई कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है लेट ए एंड एम बी टू डिस्टिंक्ट लिमिट्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, हमारे पास सीक्वेंस है एस एन, एन इक्वल्स टू वन टेंस टू इन्फिनिटी, और हमने इसकी दो लिमिट्स ले ली हैं एल एंड एम। ठीक है, और दोनों डिस्टिंक्ट है यानी कि यूनिक। ठीक, तो फिर डिफरेंट होंगी दोनों। ठीक, देन अगर ये दो लिमिट्स हैं तो क्या होगा, मॉड ऑफ एल माइनस वन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये जो लिमिट्स है वो हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन जीरो रहेगी। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो आपको कंडीशन याद होगी कि एप्सिलॉन हमेशा हम ग्रेटर देन जीरो लेते थे। ठीक है, तो ये भी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसीलिए हमने यहाँ सपोज किया है एप्सिलॉन इक्वल्स टू वन बाई टू मॉड ऑफ एल माइनस वन। हम इसका हाफ ले लेते हैं, चाहे हाफ लेंगे तब भी ये ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो। तो डायरेक्टली आप देखिए ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना, तो हमने ये वैल्यू अज्यूम कर ली है। आइए अब केस वन लेके चले। सबसे पहले केस वन में हम मानेंगे एल लिमिट है और केस टू में मानेंगे एम लिमिट है। तो देखिए, हमने केस वन में लिया है देन एल इज़ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, जब एल हमारी लिमिट है सीक्वेंस की, देन एप्सिलॉन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो इसमें कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। कैसा होगा कंडीशन, हमने वो पॉजिटिव इंटीजर क्या ले लिया है, एम वन। तो ठीक है, एम वन इक्वल्स टू एम वन ऑफ एप्सिलॉन। ठीक, तो इस केस में आपकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम वन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखिए, व्हेन एम इज़ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, उसी सीक्वेंस की दूसरी लिमिट क्या ली है, एम। सेम कंडीशन रहेगी, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो होगा। यहाँ भी एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, एम टू उसको मान लें हम, तो एम टू इक्वल्स टू एम टू ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, तब आपकी डिफिनीशन क्या होगी, एस एन मॉड ऑफ एस एन माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, तो एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम टू। अब हमारे पास दो हैं एम वन और एम टू, तो इनकी हम एक मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारी दो कंडीशन तो हमने ले लिया है, सपोज एम इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एम वन एम टू, एम वन और एम टू की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एम। ठीक है, तो देन एम वन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एम वन एंड एम ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एम। एम जो है एम वन से भी बड़ा होगा और एम टू से भी बड़ा होगा। ठीक है, देन क्या होगा कंडीशन, एस एन मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन एन ग्रेटर देन एम। ठीक, अब हमारा m1 नहीं होगा, m हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे हमने इनकी मैक्सिमम वैल्यू ली है m। ठीक, सिमिलरली दूसरी वाली कंडीशन के लिए भी है, m के लिए भी है। ठीक, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गए हैं। अब हमारा प्रूफ करने का क्या है, हमने क्या माना था, मॉड ऑफ l माइनस वन ग्रेटर देन जीरो प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो चलिए आइए देखें, ले मॉड ऑफ एल माइनस वन एल माइनस एम को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एल माइनस एस एन प्लस एस एन माइनस एम। देखिए, ये हमने प्लस और माइनस दोनों किया, कैंसिल करेंगे तो वापस एल माइनस एम मिलेगा। ठीक है, फिर इनको अलग अलग आप लिखेंगे तो अभी ये कंडीशन इक्वल से किस में पहुंच जाएगी, लेस देन आर इक्वल्स टू में, क्योंकि आपको पता है कि ये कंडीशन क्या होती है, लेस देन। ठीक है, तो हमने यहाँ लेस देन आर इक्वल टू ले लिया है। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू, फिर ये दो कंडीशन। अब आप सोच रहे होंगे एल माइनस एस एन लिखा, फिर एस एन माइनस एल क्यों लिखा, क्योंकि ये मॉड के अंदर है तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एस एन माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, ये तो अब ये आपका ये दोनों, ये भी क्या कहलाता है, देखिए ये भी क्या है आपका, एप्सिलॉन है, और ये भी क्या है आपका, एप्सिलॉन की कंडीशन पर ही बेस्ड है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एप्सिलॉन एप्सिलॉन जुड़ के क्या हो जाएंगे, टू एप्सिलॉन हो जाएंगे। ठीक है, और एप्सिलॉन की वैल्यू हमने यहाँ क्या ली थी, वन बाई टू मॉड ऑफ एल माइनस वन, ये हमने यहाँ रख दी, टू टू कैंसिल हो गया और ये आ गया लेस देन एप्सिलॉन, जो कि देखिए कंट्राडिक्शन है, मॉड ऑफ एल माइनस वन लेस देन मॉड ऑफ एल माइनस वन, ये कैसे हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता, इसीलिए क्या है, कंट्राडिक्शन। हैंस हमने प्रूव कर लिया कि एल इक्वल्स टू एम, मतलब ये दोनों लिमिट अलग अलग ना होके दोनों क्या है, सेम है, और लिमिट की हमेशा क्या होती है, सॉरी सीक्वेंस की हमेशा क्या होती है, एक यूनिक लिमिट होती है। ठीक, थैंक यू।
नेक्स्ट आज हम आपको कुछ और डिफिनेशंस बताएंगे जिस पे बेस्ड आगे की प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको यहाँ दिखा रहे हैं बाउंडेड सीक्वेंस। देखिए आप, सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब जिसकी लिमिट्स होती हैं, मतलब कि आपका या तो अपर होगा या लोअर होगा। तो अगर अपर लिमिट्स है तो उसे अपर बाउंड बोलेंगे, अगर लोअर लिमिट्स है तो आप लोअर बाउंड बोलेंगे। ठीक है, लिमिट्स देखिए यहाँ डिफिनेशन में, लेट एस एन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, देन दिस इज बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट कैपिटल एम बिलोंग्स टू आर। कैपिटल एम आपका एक क्या होगी? वैल्यू होगी जो किस में बिलोंग करेगी? रियल नंबर्स में। क्यों? क्योंकि हम देखिए रियल नंबर्स का सीक्वेंस ले रहे हैं, इसलिए जो अपर बाउंड है आपका, है ना, बाउंडेड अबव जो है वो भी आपका क्या होगा? रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो एम किस में बिलोंग करेगा? आर में। तो कंडीशन क्या होगी? एस एन जो सीक्वेंस है वो ऑलवेज लेस देन आर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? एम से। ये जो सीक्वेंस जो आपको मिलेगा, ये सीक्वेंस की जो सीरीज होगी वो हमेशा एम से, ये जो वैल्यू है उससे क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप कह सकते हैं एम इज कॉल्ड अ अपर बाउंड फॉर एस एन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल भी यहाँ सॉल्व, बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि हमने एस एन बराबर वन अपॉन एन मान लिया है, तो एस इज बाउंडेड, तो कैसे होगा? तो एस एन इक्वल्स टू क्या है? वन अपॉन एन है, तो ये ऑलवेज लेस देन आर इक्वल्स टू वन होगा। वन क्या है? वन को हम रियल नंबर मानते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर है आपका, तो ये वन अपॉन एन हमेशा क्या आना चाहिए? लेस देन आर इक्वल्स टू वन अगर आता है तो वन को आप क्या कह सकते हैं? अपर बाउंड। ठीक है, अगर वन अपॉन एन की जो वैल्यू है आपकी हमेशा क्या आएगी? ये सीरीज जब आप निकालेंगे सीक्वेंस, तो अगर वो लेस देन वन आती है तब आप उसे क्या बोलेंगे? वन को क्या बोलेंगे? अपर बाउंड बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह देखिए ये लोअर बाउंड की कंडीशन है। ठीक है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो इसमें देखिए, वी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, देन एस इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ दे आर एग्जिस्ट स्मॉल एम से, यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया है। वो भी चूंकि सीक्वेंस आपका रियल नंबर का है, तो वो जो वैल्यू है एम कॉन्स्टेंट, वो भी क्या होना चाहिए? रियल नंबर्स में ही बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए, जब आपने क्या लिया, सीक्वेंस नंबर क्या था? अपर बाउंड था, तो एस एन क्या था? लेस देन आर इक्वल्स टू एम था। अब जब बिलो है तो क्या होगा? एम लेस देन आर इक्वल्स टू एस एन, मतलब ये जो वैल्यू होगी वो आपके सीक्वेंस से क्या होनी चाहिए? छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, छोटी या बराबर होनी चाहिए, तब आप एम को क्या बोलेंगे? लोअर बाउंड फॉर एस, है ना, उस सीक्वेंस का क्या कहलाएगा ये एम, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या कहलाएगी? लोअर बाउंड। सिमिलरली एग्जाम्पल यहाँ भी देख लें अपन। ठीक है, हमने यह एग्जाम्पल लिया है कि वन इज लेस देन आर इक्वल्स टू एन। ठीक, क्यों लिया है हमने? क्योंकि जो एस एन है उसको हम क्या माने हैं? एन। हमारा यहाँ जो सीक्वेंस है वहाँ क्या था? वन अपॉन एन था, और यहाँ क्या है? एन है। तो एन, तो हमने एक कॉन्स्टेंट वैल्यू ली है वन। वन क्या होगी? ऑलवेज लेस देन आर इक्वल्स टू एन। तो एन हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा। तो वन लेस देन आर इक्वल टू एस एन, एस एन क्या है आपका? सीक्वेंस है। तो अगर ऐसा है कि कोई भी एस एन की वैल्यू कभी भी वन से क्या होगी? छोटी नहीं हो सकती, वन के बराबर ही होगी। ठीक है, तो वन हमेशा क्या होगा? एस एन से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, तब आप उस कांस्टेंट वैल्यू वन को लोअर बाउंड कहेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं, वहाँ भी वन लिया था, यहाँ भी वन लिया था, तो ये कंडीशन आप देख लीजिए यहाँ कि हमने जब यहाँ एस एन की वैल्यू क्या थी? वन अपॉन एन। तो एन की वैल्यू क्या है? हमेशा क्या होगी? नेचुरल नंबर्स में होगी। और वन क्या है? आप जो भी वैल्यू रखेंगे तो आपको पता है कि अपॉन में आप जितनी बड़ी वैल्यू रखते जाएंगे वो हमेशा क्या आती जाएगी? छोटी आती जाएगी। और छोटी आएगी मतलब वो हमेशा वन से क्या होगी? लेस देन होगी। वन से ज़्यादा कभी भी हो ही नहीं सकती, इसीलिए अपन ने इसको क्या माना? अपर बाउंड माना वन को। लेकिन यहाँ देखिए, चूँकि यहाँ हमने एन लिया है, तो एन की आप जब नेचुरल नंबर की वैल्यू रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये कंटिन्यूसली क्या होगी? वन से बड़ी आएगी, इसीलिए वन यहाँ क्या हो जाएगा? लोअर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह हमारा है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस आप समझ गए होंगे कि जिसमें लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी हो, तो यहाँ दोनों कॉन्स्टेंट होंगे। देखिए यहाँ आपके दोनों कॉन्स्टेंट हैं, एम और एंड। ठीक है, बोला है एम और एंड कैसे होंगे? एम इज लेस देन आर इक्वल्स टू एस एन, एंड एस एन लेस देन आर इक्वल्स टू एम, मतलब ये इससे छोटा होगा और ये इससे छोटा, तब आप क्या कहेंगे? इसे बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे, मतलब लोअर भी है और अपर भी है। ठीक है, आपके लिए यहाँ एक मैं क्या दे रही हूँ, ये एक क्या है आपका थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, ये आपको दिख रही होगी, इसमें सॉल्व है, मैंने डिफिनीशन बताई आपकी, उसी डिफिनीशन पे बेस्ड है। आप सब इसे क्या करें? सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद
अगर कोई क्वेरी होती है तो बताइए, आपका होमवर्क है, आपको इसको सॉल्व करके मुझे बताना है। ठीक, थैंक यू।